Hey everybody, welcome to our video. Today we're gonna talk about 8 important elements about interior designing. सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इंटीरियर डिजाइनिंग होता क्या है, उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या है. लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग की थोड़ी बेसिक लेकिन डिटेल्ड 8 एलिमेंट्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल विस्तार से. तो आप क्या रेडी हैं हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी टेम्पटिंग है एंड वी ऑल वांट आवर स्पेस टू लुक वंडरफुल. सो व्हाई नॉट टू नो मोर अबाउट इट. इसके बारे में आप जानकारी लेकर अपने आप को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपने स्पेस को बना सकते हैं. एक जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो सबसे पहला वर्ड आता है स्पेस. सबसे पहले हमको स्पेस को समझना होता है जिसको हमें डिजाइन करना है इनटू आवर ड्रीम वर्ल्ड, इनटू आवर पर्सनैलिटी. सो उस स्पेस को समझना बहुत आवश्यक है. एंड द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज दैट वी डोंट मेक अप द स्पेस, ओके, वी गेट द स्पेस. आर्किटेक्चर होता है वो जिस हिसाब से माइंड को रख कर उस स्पेस को बनाता है कि हाँ इस तरफ विंडो होना चाहिए तो इस तरफ डोर का जगह होना चाहिए एंड इस तरफ वॉल्स होने चाहिए तो विंडोज होने चाहिए. तो वो सारी चीजों को हमें कोऑर्डिनेट करके समझना होता है. उन सारी चीजों को वी हैव टू टेक इनटू नोटिस. एंड जब आप स्पेस की बात करते हैं तो आप दो तरह के स्पेस को रेनोवेट करते हैं. या तो आप उस स्पेस को रेनोवेट करते हैं जो कि ऑलरेडी बीइंग यू नो मेड अप है, और या तो आप वैसे स्पेस को करते हैं जो एकदम फ्रेश है, जो कि एकदम अनटच्ड है. तो यू हैव टू बी रेडी विद बोथ ऑफ द स्पेस एंड यू हैव टू रेडी टू एड अप, फिल अप, पॉप अप अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ द स्पेस, अकॉर्डिंग टू आवर आइडियाज एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू How the space is, that is also very important. कहाँ पे बेडरूम है, कैसा वॉशरूम है, ये सारी चीजों को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना, आपको इन सारे चीजों को इनटू कंसिडरेशन लेना होगा. फिर आपको इन सारे चीजों को तोड़कर, या अगर चाहते हैं कि कोई चीजें चेंज हो तो आप आर्किटेक्चर से पहले से बात करके रख सकते हैं, तो वो उस स्पेस को ब्रेक करके आपके हिसाब से बना सकता है. यू हैव टू विजुअलाइज द होल एरिया दैट हाउ इट गना लुक एंड हाउ इट गना कम आउट. तो हमें इस स्पेस को देखकर बहुत कुछ खुद से इमेजिन करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है. दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच अप द स्पेस एंड आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ इट. सेकेंड एलिमेंट जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, सो दैट इज लाइट्स. लाइट्स इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, बहुत इम्पैक्टफुल होता है. ये हमारे माइंड को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है इनटू समथिंग वेरी पॉजिटिव. So it provokes our thought process, our feelings, our emotions and our mood obviously. So ye sare cheezon ko itna important cheez hota hai to hume bahut careful rakhna chahiye ise design karte hue. To jo hamara vertical design hota hai wo generally bahut bada dikhata hai us area ko, us zone ko, uski color, uski shape, uski size sab kuch matter karti hai. So vertical shape is always a good idea to make it great and big. सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो स्ट्रेंथ दिखाता है, बॉन्डनेस दिखाता है और लव दिखाता है. दैट ऑलवेज यू नो बॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप एंड लव बिटवीन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वाइफ, हस्बैंड, एनीबडी. सो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. थर्ड आता है डायगनल लाइन. डायगनल लाइन जो होता है वो ज्यादा ब्यूटिफुल नहीं होता है एंड इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कहा जाता है इंटीरियर डिजाइनिंग में. इससे उसे हमेशा स्टेयर्स में यूज किया जाता है एक अलग ढंग से, जिसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे डिटेल में. कर्व्स ऐड कर सकते हैं, यू नो कर्व से आप ओवल शेप, सर्कल शेप, हाफ सर्कल, हर चीज कर सकते हैं टू मेक योर रूम लुक ब्यूटिफुल. सो आज की इस इंटीरियर वीडियो में बस इतना ही. वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट एंड आई होप यू लाइक इट. वी जस्ट वॉन्ट टू मेक योर स्पेस अ ब्यूटिफुल.